प्रश्न 31, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, 2πRh, तो 2πRh बराबर लिख लेंगे 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, तो 2πRh बराबर क्या लिख लेंगे? 88 वर्ग सेंटीमीटर। R हो गया बेलन की त्रिज्या, H हो गया बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे 2πI, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना। अब यहाँ पे देखिए R निकालना है, ठीक है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो R को R ही रहने देंगे, गुना H, तो बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे H की जगह पे 14 लिखेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई को H से लिखते हैं, तो H की जगह पे क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे, और R यानी बेलन की त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो उसको अभी ज्ञात कर लेंगे, बराबर लिख लेंगे 88 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे, तो R की जगह पे R ही रहने देंगे, H की जगह पे 14 लिख लेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई को H से लिखते हैं, 7 × 14 काट लेंगे यहाँ पे, 7 × 14 तो आ गया 22 × 44, 44 × 88 यानी 88 R बराबर हो जाएगा 88 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 22 × 44, 44 × 88 गुना R, 88 R हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 88/88, तो 88 R के साथ गुना में है तो इसको इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, तो 88 से 88 कट गया यानी कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर, तो R हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी बेलन की त्रिज्या कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या यानी R, बेलन की त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो त्रिज्या कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, अतः क्या पूछ रहा है यहाँ पे? बेलन का व्यास, अतः बेलन के आधार का व्यास तो बेलन के आधार का व्यास बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, ठीक है, यानी 1 × 2 बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 2 से गुना कर देंगे, 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो व्यास क्या हो जाएगा? 1 × 2 यानी 2 सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार का व्यास हो गया 2 सेंटीमीटर।
तो यही पूछ रहा था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।